के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक तो पहले ही अपनी फजीहत करा ली थी, उसके बाद अब रामचरितमानस पर भी बयान देकर चौतरफा घेर लिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसा कि उन्होंने शायद अपनी इस हालत को लेकर कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को अंदाजा भी नहीं होगा कि रामचरितमानस पर दिया गया उनका एक बयान उनके गले की फांस बन जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य को समझनी चाहिए थी मुद्दे की संवेदनशीलता, नहीं समझी, अब भुगत रहे हैं अंजाम। सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता शिवेंद्र मिश्र की तहरीर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ IPC की धारा 153A, 295A, 298, 504, 505 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके बयान के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है वो अलग, अरे बैन कर दिए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए बयान की वजह से एक तरफ जहां बीजेपी और तमाम हिंदू संगठन और साधु संत इस पर आपत्ति जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और लखनऊ के प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री को बैन कर दिया गया है। हनुमान मंदिर के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में मंदिर में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री को वर्जित बताया गया है। लेटे हनुमान मंदिर के बाहर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो पोस्टर लगे हैं, उन पोस्टर्स में स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर लगी है और उसे लाल रंग से क्रॉस किया गया है। इस बैनर पर लिखा है, अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। ये पोस्टर मंदिर के मुख्य द्वार समेत कई जगहों पर लगाया गया है। मंदिर परिसर के अंदर भी ऐसे ही कुछ पोस्टर्स देखे गए हैं। प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर गोमती नदी के किनारे स्थित है, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहीं जब इस मंदिर से इतने लोगों की आस्था जुड़ी है, तो फिर मंदिर प्रशासन के स्वामी प्रसाद मौर्य पर बैन लगाने के फैसले का श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया है। यहां आने वाले तमाम भक्त और श्रद्धालु इस फैसले में मंदिर प्रशासन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर लेटे हनुमान जी मंदिर के कोषाध्यक्ष और गुल्ला शमशान घाट के महामंत्री रिद्धि गौर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य की सिर्फ इस मंदिर में एंट्री पर रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार पर भी रोक लगा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ इस तरह का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा है। इसकी कुछ पंक्तियों में कुछ जातियों का उल्लेख है जो उन जातियों के लाखों लोगों की भावनाओं को आहत करती हैं, इसलिए उन्हें रामचरितमानस से हटा देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इसी बयान का चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पूरी समाजवादी पार्टी ही किनारा कर चुकी है। तो क्या मान लें कि अब अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लेंगे कोई बड़ा फैसला, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बस नाराजगी जताने का है तरीका? वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेटे हनुमान मंदिर में बैन किए जाने के फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।